अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ओबीसी मोर्चा राजस्थान के बैनर तले सोमवार को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम जोड़ने, लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित करने सहित 15 सूत्रीय मांगे माने जाने की मांग की गई है। इस दौरान मोर्चा के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। ओबीसी वर्ग से जुड़े लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी मोर्चा राजस्थान के बैनर तले सोमवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन में ओबीसी मोर्चा ने भारत सरकार द्वारा की जाने वाली जनगणना 2021 के फॉर्म में ओबीसी कॉलम जुड़वाने, मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू करवाने, आबादी के अनुसार राज्यवार लोकसभा और विधानसभा की सीटें आरक्षित करवाने, ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिलाने, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत सदस्यों में आरक्षण देने, ओबीसी किसानों को निःशुल्क कृषि कनेक्शन दिलवाने, विशेष पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाने, छात्र छात्राओं के लिए खेल छात्रावास एवं जिला मुख्यालयों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। किसी की हितों की मांगों के लेके लेकर के ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोग भारत में हो रही जातीय जनगणना के लिए खास करके ये मांग कर रहे हैं कि भी हमारी ओबीसी की अलग से जनगणना हो। तहसीलदार की मांग नहीं कर रहे हम, कोई फैक्ट्री की मांग नहीं कर रहे, बड़ी एक शर्मनाक सी मांग कर रहे हैं कि भी हमारी गिनती कर दो। ये मांग कर रहे हैं कि जब आप लोग मतलब अपने लोगों के लिए पिटारा खोल रहे हो, या जो सड़क उखाड़ते हैं, रेल की पटरियां उखाड़ते हैं, रेल रोकते हैं, रेल जलाते हैं, मरते मारते हैं, उनको आप क्या है कि मुंह मांगा तोहफा दे रहे हो, तो फिर हम जो संवैधानिक हक अधिकारों की मांग कर रहे हैं कि उदयपुर संभाग में भी हमारे जो ओबीसी के भाई हैं उनको भी 21% अलग से आरक्षण दिया जाए। और ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग थोड़ा ढीले हो रहे हैं, हम जल्दी सड़क पर बड़े लेवल पर आंदोलन को लेकर के संघर्ष करेंगे। ज्ञापन के दौरान जनता दल राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दौलतराम पैसिया, ओबीसी मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर स्वामी, ओबीसी मोर्चा के महासचिव रणवीर सिंह रावणा, बालू सिंह रावत, फरस सिंह पंवार, देवी सिंह राठौड़, हुक्माराम प्रजापत, बाबू सिंह चौहान, देवराज चौधरी, सांवलाराम माली समेत कई लोग उपस्थित रहे।